बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिदार्स। यस, आज मैं आपको ये वाला नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। मैंने लिया है ये पेपर पट्टी, फोल्ड किया है मैंने इसको। इसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच है। अब इस पे ऊपर की तरफ 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, इसको डीप 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, और इसके बाद एक निशान मैंने 5 इंच पे लगाना है। इसके बाद 1/2 इंच पे रख के इसका एक निशान इस तरह लगा देना है। इसके बाद ये जो निशान हमने दरमियान में लगाया है, इसको हम गोल शेप देंगे। गोल शेप देने के बाद ऊपर से भी 1/2 इंच का निशान लगा के इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद हम अपने गले की कटिंग करेंगे। इसके बाद इसका साइड का पीस काटेंगे हम। मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और व्यूअर्स, ये जो हमारा बीच का पीस निकला है, इस पट्टी को हम इसी तरह से काट लेंगे। इसकी लंबाई जितना ये हमारा दरमियान का पीस है, इससे थोड़ी सी ज्यादा रख लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। मैंने पीस काट लिया। अब इस पीस को मैं अपने शर्ट के फ्रंट साइड पे लगाऊंगी। शर्ट को उल्टा करके इसके साथ मैंने इसको अटैच कर देना है। चिपकाने के बाद इसके हमने बीच में से कटिंग कर देनी है। इसकी कटिंग करने के बाद ये जो पीस हमने काटा है, इसको हम अलग से एक पीस पे चिपका लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा पीस काट देंगे बीच में फोल्ड करने के लिए। को इस तरह से तह लगाकर इसकी एक पट्टी बना लेनी है। आए, अब इसको आप स्टिच करते हैं। सबसे पहले ये सिल्क के कपड़े की अपने मगजी बना लेनी है, जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। अगर किसी को मगजी बनाने की या गोल मगजी बनाने की वीडियोस चाहिए, तो हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ये मगजियां मैंने पहले से बना के रखी हुई है। अब मैं इसे अपने गले पे इसकी डिजाइनिंग बनाऊंगी। इन दोनों मगजियों को इस तरह से रख के इसकी यू शेप बनानी है। ये देखें, इस तरह से इसी तरह मैंने इस सारे को बनाना है। ये मैंने गले के एक साइड पे ये बना दिए हैं। इसके बाद मैं इसके जो बीच का पीस है, इसको मैं काट दूंगी।
जो इस तरह से मैंने इसको बनाया है, अब इसके बाद मैं गले पे मगजी लगाऊंगी। ये मैंने गोल्डन कलर की मगजी लगा रही हूँ इस पे। इस साइड से मैंने मगजी शुरू करनी है। लगाने के बाद अब इसको फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगानी है। इसी तरह हमने इसकी सारी सिलाई लगा देनी है। ये मैंने मगजी लगा ली है। इसके बाद ये वाला पीस जो मैंने बनाया था, इस पर मैं ये वाली लैस अटैच करूंगी। ये लैस का एक पीस है, इस तरह से दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको इस तरह से लगाना है। लैस लगाने के बाद इसको इस तरह से दरमियान में रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये मैंने पट्टी बीच में लगा ली है। अब इसके दरमियान में भी मैं मोती लगाऊंगी। ये वाले मोती मैं इसके दरमियान में लगाऊंगी। यहाँ ऊपर से लगाने शुरू करने हैं। इसी तरह इसके बीच में ये सारे मोती लगा लेने हैं। इसी तरह ये सारे मोती इसके दरमियान में लगा लेने हैं। ये मैंने मोती लगा लिया और मेरा डिजाइन तैयार हो गया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।